ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है जैक एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे होंगे उनको इस प्रश्न का महत्व पता होगा, जो खास करके वैसे बच्चे जो अपने कक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं आता है उनके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सही नहीं, महत्व है ही नहीं, क्योंकि उनको पहले तो प्रश्न का पैटर्न ही नहीं पता कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्योंकि ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना जो सॉल्व किया जाता है, जो बनाया जाता है, वहीं उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे, देखा जाए इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपका इक्वेशन यहाँ पे हमेशा दो रहेगा, x प्लस वाई बराबर पांच, यहाँ देख रहे टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस। सबसे पहले करना क्या है कि x प्लस वाई बराबर पांच लिखिए, उसके बाद x का या y का किसी एक का वैल्यू को आप ले लीजिएगा, प्लस वाई है तो उधर चला जाएगा तो माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में जो है कम से कम दो अंक डालिएगा, एक x का एक y का। अब जब आप x आगे रखे होंगे ना तो y का जब सबसे पहले मान किसका बैठाएंगे, y का मान बैठाएंगे, y का मान कुछ भी आप रख लीजिए हमको फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए y का मान दो रख दिए, अगर दो रखते हैं समझिए बात को, पांच था पहले से माइनस था, दो आप रख दिए, दो रख दिए तो क्या होगा, दो रख दिए तो मेरा तीन आया, ये तीन यहाँ उठा दिया। और मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है सर तीन रख सकते हैं, तो आप तीन यहाँ रखिए, मान लीजिए हम तीन रख दिए, तब क्या हुआ, पांच में तीन या दो आया, यहाँ दो हो गया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हम इसको लिख लेते हैं। अब आपका जो है ये क्या हुआ, ये आपका बॉक्स रेडी हो गया। और जो काम आप एक समीकरण के लिए कीजिएगा वही काम आपको दूसरे समीकरण के लिए करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज आपके साथ हो सकता है, आप चाहे तो टू से डिवाइड कर दीजिए तो भी वही चीज आ जाएगा, टू से अगर भाग कर देते हैं तीनों में तो एक्स वाई और पांच बचेगा, देखिए तो एक्स वाई पांच है, सेम है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया है। दस हो गया, टू वाई प्लस में तो इधर आकर माइनस टू वाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दस माइनस टू वाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका भी एक बॉक्स हम लोग थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेंगे, इसमें कंजूसी करना कतई सही नहीं होगा, समझ आना चाहिए, दिखना चाहिए स्पष्ट स्पष्ट, एक्स वाई हो गया, ठीक है। फिर वही बात होगा, तो y का जो मान रखिएगा ना उससे x का वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम दूर रख देते हैं, मान लीजिए दूर रखते हैं तो दो दूनी चार, ध्यान दीजिएगा, दस था माइनस दो गुना दो हो गया बटा दो हो गया, तो दस का दस हो जाएगा, अब माइनस दो दूनी चार बटा दो, दस में चार गया छह, छह को दो से काट दे तो तीन आ गया, ठीक है। ये सोल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब फिर से हमको कोई दूसरा अंक भी लेना होगा यहाँ रखने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर आप जीरो रख लीजिए ना, तो हम जीरो रख लेंगे, जीरो रखने में क्या हुआ, दो को जीरो से गुणा कर दिया तो जीरो हो गया, जीरो में दस से घटा देंगे दस आएगा, दस को दो से भाग दे देंगे तो पांच आएगा, समझिए इसको सॉल्व करके दिखा दे, दस माइनस दो गुना जीरो भी रखे बटा दो कर दिए, ठीक है। दस दो को जीरो में गुना किए तो मेरा जीरो आ गया बटा दो, दस में जीरो गया तो दस आया, दस को दो से काट दिए तो पांच आ गया, वही पांच भर दिए। ये आपको बनाएंगे हम, दिखाना नहीं है, लेकिन ग्राफ में आपको कर लेना है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि यह कैसे रहा, ये होता कैसे, ऐसा थोड़ी कहीं से रैंडम टपक किया जाता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना, अब आपको ग्राफ खींचना है, क्या आप बोलो वो ग्राफ में भी सॉल्व करें। अब आप ऐसे कीजिए, इस तरह से खींच दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन होता है जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं वो एक्स जीरो होगा और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो वाई होगा। अब यहाँ पे इस तरह का कंडीशन इसलिए बन रहा है कि प्लस हो गया कि प्लस हो गया। अब इधर अगर नीचे खींचते हैं तो खींच सकते हैं, खींच देते हैं, और इधर भी आप नीचे खींच सकते हैं, डन, ठीक है। ये आपका माइनस होगा तो बाद में खींचो माइनस हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू देखिए तो इसमें अधिकतम कितना है तीन, और इसमें एक्स का वैल्यू अधिकतम कितना है पांच। तो हम लोग क्या करेंगे, पांच बिंदु यहाँ दे देंगे, एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु पांच बिंदु, यानी एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब देखिए वाई का अधिकतम तीन, वाई का अधिकतम दो, तो इसमें तीन को बिंदु दीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन। अब क्या प्लस के अलावा माइनस में भी कोई अंक है क्या, नहीं है, तो माइनस की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर माइनस सही नहीं है तो माइनस की तरफ क्यों जाए,
छोड़ देंगे माइनस क्यूब, नहीं जाएंगे। चलिए और पहला बॉक्स को ध्यान दीजिएगा, बोलता है x का 3 लीजिए और y का 2 लीजिए, x का 3 y का 2, दम इधर से डॉट 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 करके जा रहे हैं हम, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, सब मिटा देंगे हम, कैसे निकला वो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक, इधर से इधर और यहाँ से यहाँ सामने। अब x का 2 लीजिए, y का 3, x का 2 y का 3, ऐसे से करके गए, यहाँ से ऐसे से जाएंगे, ये कट बिंदु बना, कट बिंदु जहाँ बनता है वहीं पे उसको शून्य दे देना है, दोनों का केंद्र केंद्र हो गया, ये बन गया मेरा इसके लिए। अब जब बन गया है तो आपका कीजिए ना, इसको जो है आपस में ऐसे करके सीधा पार कर दीजिए और इसको भी यहाँ सीधा पार कर दीजिए, हो गया। किसका बना? ये बना आपका x प्लस वाई बराबर 5 का, या फिर आप जो निकाले यहाँ पे उसको लिख दीजिए, x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। अब बोलते हैं x का 3 और y का 2, x का 3 y का 2 यहीं पे आएगा, फिर बोलता है x का 5 y का 0, यहाँ ये लाइन किसका हुआ, ध्यान दीजिए, x बराबर 10 माइनस 2 वाई बाई 2, ओके, ये आपका ग्राफ में भी लिखा सॉल्व हो गया। चलिए इसका हम दूसरे क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस वाई माइनस 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2x माइनस वाई माइनस 6 यानी प्लस होगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का समीकरण 2 है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, कोमा हो गया यहाँ पे, क्योंकि दो समीकरण है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब पहले वाला क्वेश्चन हम लोग क्या मिला कि बराबर नहीं मिल रहा था, इस बार बराबर की इधर दे रहा है, अब बराबर उधर 0 है, कुछ नहीं, दम सेम उसी तरह से काम कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, ये माइनस 6 है तो उस पार जाकर क्या होगा, बराबर को उस पार प्लस हो जाएगा, सेम काम यहाँ भी कीजिए, 4x माइनस 2y ये माइनस 4 बराबर किस पार है, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो 4। अब यहाँ देखिए 2x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 6 प्लस y है तो माइनस y कर दीजिए, तो x बराबर 6 माइनस y बटा 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4x बराबर 4 या माइनस 2y है तो प्लस 2y हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y बटा 4, ठीक है। अब दोनों के लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए एक साथ बॉक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है, x y यहां भी बॉक्स बनाइए, x y, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां अगर 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो 2 रखिए, 6 में से 2 किया तो 4, अब 2 को 4 से काटेंगे तो 2, ठीक है। अब यहां पे 4 रख देते हैं, तो 4 रखिएगा तो 6 में से 4 गया तो 2, 2 को 2 से काट गया तो 1, अब यहां पे जो है 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 को 4 से भागा दीजिएगा तो 2, अब यहां रख देते हैं 4 रख दीजिए, 4 अगर 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 12 को 4 से भागा दीजिएगा तो 3, ये आपका देखिए इस बार निकल गया, अगले बार नहीं निकल रहा था, इस बार निकल गया है। आपको ध्यान में एकदम यही बात रखना है कि पूरा पूरी कट जाना चाहिए, तभी ना आपका सवाल सॉल्व होगा। अब चलिए ग्राफीय विधि सवाल करना है, तो ग्राफीय विधि सवाल करना तो अभी तो आपको सीखा ना, एक ये लाइन खींचिए, इधर से एक लाइन ये खींच दीजिए, मन हो तो इन्हें खींचिएगा, नहीं हुआ तो नहीं खींचेगा, क्योंकि सब प्लस में है, प्लस बढ़ाएगा तो खींचने को आवश्यकता नहीं पड़ता है, ये एक्स का लाइन हो गया, y का हो गया, ये y1 का हो गया, ये x का हो गया, ये आपका केंद्र बिंदु 0 हो गया, ठीक है। x का मैक्सिमम 2 और दूसरा समीकरण में x का मैक्सिमम 3 है, यानी 3 को लाइन खींच दीजिए, 1 2 3, चलिए 1 2 3 हो गया। y का मैक्सिमम 4, इसमें भी y का मैक्सिमम 4, तो 1
दो तीन चार, एक दो तीन चार, हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स का दो वाई का दो, एक्स का दो ये बिंदु हुआ, वाई का ये बिंदु हुआ, तो इसको हम लोग यहां पे दे देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। एक्स का एक वाई का चार, एक्स का एक वाई का चार, दम इसके सामने। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स का दो वाई का दो है, खींचाऊंगा एक्स का तीन और वाई का चार, एक्स का तीन वाई का पहले हम लोग का लाइन ये तैयार हुआ, क्रॉस कर दीजिएगा दोनों तरफ से, हो गया क्रॉस। अब ये लाइन जो है यहां से क्रॉस हुआ है, थोड़ा सा इसको फाड़ दीजिए, रेडी आपका बन के ग्राफ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो पहला लाइन हम लोग खींचे वो किसका है, तो होता है एक्स बराबर सिक्स माइनस वाई बटा टू, और ये जो है दूसरा वाला लाइन वो आपका है एक्स बराबर फोर प्लस टू वाई बाई फोर, आपका रेडी हो गया, आप देख सकते हैं इसको। चलिए इसको मिटाते हैं,